हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SSC यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के तरफ से। आपका CHSL जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो इंटर लेवल की एग्जाम होती है SSC के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, वो इसकी वैकेंसी बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाला है। इसके तहत अगर पोस्ट की बात करूं तो LDC डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसका डिटेल जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और अगर इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि SSC में CHSL यानी 10+2 लेवल की रिक्रूटमेंट आई है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की। पोस्ट की अगर बात करें कि कितना पोस्ट पर इस बार आपका वैकेंसी रहेगा, तो 4500 यानी 4500 के अप्रॉक्स सीट रहने वाली है। अप्लाई कब से कब तक होगा, SSC ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें ऑफिशियली बता दिया गया है 2 अप्रैल से 1 मई इसका फॉर्म अप्लाई का डेट रहेगा। तो आपको 1 मई का इंतजार नहीं करना है, 2 अप्रैल के बाद जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है आप अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर अभी आपने पिछले साल भरा था CHSL का, तो ये मतलब ओल्ड वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, जो रीसेंट वेबसाइट लॉन्च हुआ है उस पे जाके OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करना है, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फी क्या रखी गई है। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई फी नहीं लिया जाएगा। अब डिस्कस कर ले हम लोग की एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं किस डेट से आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। आपको पता है कि अपर एज में आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो OBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का, मतलब OBC के लिए 18 से 30 वर्ष और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 32 वर्ष। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बता दूं, पहले ही बार बार बता दिया है कि इसका क्वालिफिकेशन लेवल क्या होगा, 12th लेवल का है। डजंट मैटर कि आपका साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, आप बस पास हो इंटर किसी भी स्ट्रीम से तो आप इलिजिबल रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 टीयर पे डिपेंडेबल रहेगा, Tier 1 एंड Tier 2। जैसे ही दोनों एग्जाम क्लियर होगा, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए समझ ले कि फर्स्ट जो आपका टीयर होगा एग्जाम Tier 1, उसका क्या पैटर्न होगा। एग्जाम में रहेगा आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, समय 1 आवर का और निगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब 0.50 का रहेगा निगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करी जाए तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, GK GS के 25 प्रश्न 50 नंबर के लिए, मैथ्स के 25 प्रश्न 50 नंबर के लिए और आपका रीजनिंग से 25 प्रश्न 50 नंबर के लिए। तो ये Tier 1 का एग्जाम हो गया। जब इसको आप क्वालिफाई करते हैं देन क्या होता है, Tier 2 होता है। आइए अब Tier 2 को जरा आपको विस्तार से समझाए। इसमें 2 सेशन होता है। पहले सेशन में आपका ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, एक ही दिन एट अ टाइम हो जाएगा आपका। देखिए टोटल बात करें सेशन 1 का, तो इसमें आपका 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है और निगेटिव मार्किंग, एक गलती करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अब बात कर लेते हैं किन किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए और सेक्शनल टाइमिंग क्या रहेगा। देखिए पहला जो आपका सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग से 60 प्रश्न, मतलब मैथ के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 30 प्रश्न, 60 प्रश्न 180 नंबर के लिए और इसका सेक्शनल टाइमिंग 1 आवर यानी 1 घंटा रहेगा। उसके बाद सेकेंड आपका सेक्शन रहेगा इंग्लिश और GS, आपका जो GK GS रहेगा उसको कंबाइन करके
60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के लिए, समय 1 आवर का, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। थर्ड आपका सेक्शन रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का, 15 प्रश्न 45 नंबर के लिए और ये आपका 15 मिनट का होगा। तो एट अ टाइम जैसे ही आप ये सेक्शन सेशन 1 कंप्लीट करोगे, देन क्या होगा आपका टीयर 2 का सेशन 2 वहीं पर हो जाता है, स्किल टेस्ट आपका होता है। आइए बता देती हूँ, बताया है कि 3 तरह का पोस्ट है, तो 15-15 मिनट का आपका 2 सेक्शन इसमें भी रहेगा, आधे घंटे का स्किल टेस्ट होगा। पार्ट ए रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें क्या स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट, आपको पता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को डाटा एंट्री करने का वर्क होगा, तो उससे रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। 15 मिनट में ये कंप्लीट करेंगे तो पार्ट बी में एलडीसी यानी जो लोअर डिवीजन क्लर्क है और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, उनका 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। इंग्लिश का रहेगा 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी का 30 वर्ड्स पर मिनट। आई होप कि आप ये भी स्किल टेस्ट समझ गए होंगे। जब आप टीयर 2 क्वालिफाई करते हो ओवरऑल ये पूरा, तब आपका एक सिंपल सा डीवी होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। फ्रेंड्स पहले तो बता दूं कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। आपको पता है कि एसएससी के थ्रू आपको मौका दिया जाता है नियर बाय 3 सिटी चूज करने का, तो जो सिटी आप चूज करेंगे उन्हीं में से किसी एक आपके नियर बाय सिटी में एग्जाम सेंटर होगा। सारा प्रोसेस आपके जो जोन होंगे वहां से होगा, किस रीजन से आप किस एसएससी के किस रीजन से आओगे उसके ऑफिशियल जो ऑफिस होगा वहां से हो जाएगा। फिर आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको वर्क करना पड़ेगा। 3 तरह के पोस्ट है और सैलरी की बात की जाए तो 25,500 से स्टार्टिंग होता है, बाद में जब बढ़ोतरी होती है तो 81,100 आपकी सैलरी हो जाती है। सो दिस इज योर ओवरऑल जो भी डिस्क्रिप्शन था आपका एसएससी सीएचएसएल का, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब भी आपका डाउट अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप चाहो तो कमेंट करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।